चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। चाचा को स्वीट्स खाना बहुत पसंद है, पर कुकीज और कैंडीज तो उसकी पसंदीदा है। मुझे कुकीज और कैंडीज बहुत पसंद है, मैं इन्हें हर रोज खा सकता हूँ। चूचू और बाकी बच्चे एक बार में बस एक या दो कैंडीज खाते हैं, पर चाचा तो मुट्ठी भर के खा जाता है। मुझे और कैंडीज चाहिए। चाचा की माँ ने उसे बहुत बार समझाया कि वो इतने स्वीट्स ना खाए, पर चाचा उनकी एक नहीं सुनता था। चाचा, अगर तुम एक साथ इतनी सारी स्वीट्स खाओगे तो बीमार हो जाओगे, प्लीज इतनी सारी मत खाओ। बस एक और खाने दीजिए। एक दिन जब चाचा की माँ बाहर गईं, तो चाचा को उसकी पसंद की कुकीज से भरा हुआ एक जार मिला। वो रसोई में बहुत ऊपर रखा हुआ था। उस जार में मेरी पसंदीदा कुकीज है। मुझे लगता है अगर मैं इसमें से एक दो खा लूँ तो माँ को बुरा नहीं लगेगा। चाचा अलमारी तक पहुंचने के लिए एक स्टूल पर खड़ा हो गया। मेरे पसंदीदा कुकीज। चाचा ने जार खोला और कुकी को मुंह में डाल लिया। ये कुकी बहुत स्वादिष्ट और मीठी है, मैं एक और खाऊंगा। चाचा ने एक और कुकी खा ली और फिर एक और। याम याम याम। चाचा और कुकीज खाने से अपने आप को रोक नहीं पाया। थोड़ी ही देर में उसने जार की सारी कुकीज खा ली। मैंने तो सारी कुकीज खा ली। अच्छा होगा मैं जार को रख के नीचे उतर जाऊं। जब चाचा की माँ घर आई, उन्होंने खाली कुकी जार की तरफ देखा ही नहीं। जल्द ही चाचा के पेट में दर्द होने लगा और उसकी तबीयत खराब हो गई। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है मुझे उल्टी आ जाएगी। अरे नहीं बेटा, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। चाचा, डॉक्टर ही बता पाएंगे कि तुम इतने बीमार कैसे हो गए। चाचा जानता था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। उसने तय किया कि अब वो माँ को सब बता देगा। माम, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने उस जार में रखी सारी कुकीज खा ली। मुझे लग रहा है मैं उसी वजह से बीमार हुआ हूँ। ओ चाचा, काश कि तुमने वो कुकीज ना खाई होती। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, किसी भी चीज को ज्यादा खाने से हमें नुकसान पहुंचता है। और याद रहे, तुम्हें अकेले इस तरह से स्टूल पर चढ़कर अपने आप चीजें नहीं उतारनी चाहिए। तुम गिर सकते थे और तुम्हें चोट लग जाती। मुझे माफ कर दीजिए मॉम। चाचा की माँ ने चाचा को पीने के लिए कुछ दवाई दी
दवाई तो कड़वी थी लेकिन उसे पीकर चाचा को अच्छा महसूस हुआ। चाचा ने वादा किया कि वो इतनी सारी स्वीट्स कभी नहीं खाएगा, ना ही वो अपनी माँ की इजाज़त के बिना कुछ भी छुएगा। मैं दोबारा कभी इतनी सारी स्वीट्स नहीं खाऊंगा और साथ ही माँ की इजाज़त के बिना कोई भी चीज़ नहीं छुऊंगा। आप भी ऐसा ही करना।